हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। नाउ यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो रिलीज किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन पासपोर्ट रैंक डैश व्हाइल डैश टॉप्स द लिस्ट टू बिकेम द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। सो इंडियन पासपोर्ट की कौन सी रैंक आई है 2023 में? आंसर आपका हो जाएगा इट इज 80th रैंक। ठीक है, 80th रैंक थी और यहाँ पे टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंडिया की 80th रैंक थी, सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप किया है 2023 में। अगर यहीं पे 2022 की बात की जाए तो 87th रैंक थी इंडिया की एंड 60 ऐसी कंट्रीज थी जहां पे हम वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते थे। वेयर एज 2023 का जो रैंक है हमारा 80th, इसमें 57 कंट्रीज में अलाउड है हमें वीजा फ्री ट्रैवल करना। ठीक है, नाउ बाकी हम टॉप 5 जो रैंक है वाली कंट्रीज देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट रैंक दी गई है आपके सिंगापुर को, सेकेंड में आ जाता है जर्मनी, इटली, स्पेन, थर्ड रैंक आपकी है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया एंड स्वीडन। एक और चीज जो नोट करनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो जापान है, जापान 2022 में आपका फर्स्ट रैंक होल्डर था अलोंग विद सिंगापुर। ठीक है, नाउ फोर्थ आपकी जो रैंक है ये है डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड एंड यूके की। फिफ्थ रैंक में आपके आ जाते हैं बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है आपको कि इंडिया की है आपकी 80th रैंक और 80th रैंक आपकी बाकी दो और कंट्रीज हैं जिनकी 80th रैंक आई है। एक तो हो गई आपकी टोगो, दूसरी आपकी है इट इज स्नेगल। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो जो हेनले एंड पार्टनर्स है जो इस इंडेक्स को पब्लिश करता है, रिलीज करता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये लोकेटेड है आपका लंदन में, लंदन यूके में। ठीक है, एंड इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम क्या है? ज्यूरिक स्टेफन। क्या नाम है? ज्यूरिक स्टेफन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 2008 से कंपेयर करें, 2018 से कंपेयर करें, ठीक है, तो 2018 में इंडिया की जो रैंक थी वो 81 थी, फिर 2019 में ये 83 हुई, फिर 85, फिर 90 और 2022 में ये 87 थी। अब 2023 में इंडिया की जो रैंक है ये कितनी हो गई है? 80th रैंक हो गई है। तो हमने काफी इंप्रूव किया है पहले से। ठीक है, और यहाँ पे जो रेड वाला आप पोर्शन देख रहे हो ये पोर्शन आपका है कि कितनी कंट्रीज में हमें एक्सेस है वीजा फ्री ट्रैवल करना। ठीक है, इस बार कितना है? इट इज 57 कंट्रीज। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। सो 18th ऑफ जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। ठीक है, जिसे पहली बार 2010 में ऑब्जर्व किया गया था और 2009 में यूएनजीए दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इन्होंने रेजोल्यूशन लिया था नवंबर 2009 में कि 18 जुलाई को 2010 से नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाएगा 18 जुलाई को। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे थीम क्या थी आपकी? इट्स थीम वाज क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेटरी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला जी की, जो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के 1994 से 1999 तक। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और ये आपके एंटी अपार्टाइड थे, बेसिकली ये भेदभाव नहीं करते थे काले और गोरे में। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें जो है 1990 में भारत रत्न भी दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पीएम मोदीज टू डे विजिट टू फ्रांस। तो पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ पे है, द पीएम नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर, जो फ्रांस का आपका हाइएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर होता है, जो दिया गया था फ्रेंच के प्रेसिडेंट द्वारा एमैनुअल मैक्रोन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस एंड इंडियाज मेजागन डॉकयार्ड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, इन्होंने साइन किया है अग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 3 एडिशनल सबमरीन अंडर द P-75 प्रोग्राम। थर्ड आपका स्टेटमेंट कह रहा है, इंडिया एंड फ्रांस अग्री टू अडॉप्ट अ रोड मैप विच इज योर होरिजन 2047 टू सेट द कोर्स ऑफ टू सेट द कोर्स फॉर द बायलेटरल रिलेशनशिप अप टू 2047। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और ऑल ए बी एंड सी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई।
इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है कि यहाँ पे पीएम मोदी द्वारा गिफ्ट्स दिए गए थे जो आपके फ्रांस के जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे उनको, जैसे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे एमैनुअल मैक्रॉन, इनको सैंडलवुड सितार दिया गया था। यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हो उसकी। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं प्रेसिडेंट, जो आपके फ्रेंच के नेशनल असेंबली प्रेसिडेंट हैं येल बरून पीवेट, इनको हैंड रिटन स्किल सिल्क कश्मीर कारपेट यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच सीनेट हैं इनको यहाँ पे हैंड कार्व्ड एलिफेंट अंबावरी दिया गया था, ये यहाँ पे इमेज देख सकते हो आप। फिर आपका पोचमपली सिल्क ईकट, ये दिया गया था फ्रांस की फर्स्ट लेडी को, जिनका नाम है ब्रिगेट मैक्रॉन, जो आपकी वाइफ है एमैनुअल मैक्रॉन की, उनको ये गिफ्ट दिया गया था यहाँ पे। इसके अलावा मार्बल इनेली वर्क टेबल जो है ये दिया गया था फ्रेंच पीएम को एलिजाबेथ ब्रॉन को। ठीक है, ये यहाँ पे टेबल आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स टू रिव्यू द फ्रेमवर्क एंड रिजल्ट्स ऑफ सर्वे कंडक्टेड फॉर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, द SCES वॉज सेटअप इन विच ईयर। सो देखो यहाँ पे जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो मिनिस्ट्री जो कमिटी है आपकी, स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ये रिप्लेस की जाएगी बाय दी स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। अब क्वेश्चन यहीं पे स्टैटिक क्वेश्चन आपका बनाया गया है, दैट इज कि जो आपकी कमिटी है स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, इसे सेटअप कब किया गया था? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 2019 में इसे सेटअप किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी दूसरी कमिटी है जो इसे रिप्लेस करेगी, स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आप काम तो इसका समझ ही गए, उसका काम क्या होगा? रिव्यू करना जो फ्रेमवर्क एंड रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स ऑफ सर्वे जो कंडक्ट किए जाएंगे फॉर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो इसको रिव्यू करने का काम इसका रहेगा। ठीक है, अब इसके हेड कौन बनाए गए हैं? इसके हेड आपके हैं प्रोनब सेन। क्या नाम है इनका? प्रोनब सेन, जो आपके चेयरमैन भी रह चुके हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के, एंड ये फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टिशियन भी थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द इंग्लैंड वॉन द मेंस 2023 यूईएफए यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप 24th एडिशन विच वॉज हेल्ड इन बतूमी अरीना जॉर्जिया, विच कंट्री विल होस्ट द 25th एडिशन ऑफ यूईएफए यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप इन 2025। सो पहले जो अभी आपका 24th एडिशन हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। 24th एडिशन किसने होस्ट किया था? रोमानिया एंड जॉर्जिया ने। ठीक है, रोमानिया एंड जॉर्जिया ने को होस्ट किया था। इसके अलावा इंग्लैंड ने डिफीट कौन सी कंट्री को किया है? तो इंग्लैंड ने स्पेन को डिफीट किया है, और इंग्लैंड को ये टाइटल थर्ड टाइम मिला है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, जो नेक्स्ट एडिशन होगा 25th एडिशन जो होगा वो कहाँ पे होगा? तो ये आपका होगा स्लोवाकिया में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो आपका ये 2023 का एडिशन था, इसमें आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया है? एंटोनी गॉर्डन को, जो इंग्लैंड के आपके प्लेयर है, एंड प्लेयर ऑफ द मैच किसे बनाया गया है? कर्टिस जॉन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेकेंड एडिशन ऑफ नीति आयोग रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023, इंडिया हैज रजिस्टर्ड डिक्लाइन इन अ नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर फ्रॉम 24.85% इन 2015-16 टू -% इन 2019-21। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, हमने कुछ टाइम पहले ही ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी पढ़ा था। ठीक है, जो आपका रिलीज किसने किया था? यूएनडीपी ने, अलॉन्ग विद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा ये रिलीज किया गया था, जहां पे ये बताया गया था, ठीक है, कि जो इंडिया है, इंडिया के साथ साथ इंडिया को इंक्लूड करके 25 ऐसे कंट्रीज हैं जिनका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो बिल्कुल हाफ हो गया है। और इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल 415 मिलियन ऐसे आपके यहाँ पे जो है पॉपुलेशन थी जो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है जिनकी कम हुई थी। ठीक है, रिडक्शन यहाँ पे देखा गया था। अब यहाँ पे यही चीज अगर हम इंडिया के लिए करते हैं तो उसे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि 2015-16 में जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो था इंडिया में कितना था? 24.85% था। अब ये 2019-21 में कितना हो गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये रिकॉर्ड किया गया है 14.96%, जो आपका 9.89% जो है डिक्लाइन किया है इतने सालों में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो आपका ये इंडेक्स है ये इसका मेन फोकस रहता है आपके तीन चीजों पे। एक आपका हेल्थ हो गया, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं? एक आपका हेल्थ है, सेकेंड आ जाती है आपकी एजुकेशन, ठीक
ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसे फर्दर आपके 12 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें इसे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से आपके SDG आ जाते हैं? पहला आपका न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग असेट्स एंड बैंक अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेशनल लेवल का है तो इसमें स्टेट्स, आपके यूनियन टेरिटरी, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है, ठीक है। 3.43 करोड़ पीपल का यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है। इसके बाद ऐसे हम यहाँ पे स्टेट्स देखते हैं जिनमें फास्टेस्ट रिडक्शन देखा गया है मल्टी डायमेंशनल पुअर का। इसमें आपके इंक्लूडेड हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। नेक्स्ट आपके आते हैं ऐसे स्टेट्स जहाँ पे रिडक्शन तो देखा गया है बट स्टिल अभी भी यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पुअर जो है वो काफी हाई है, ठीक है। जैसे हो गया बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी और मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा ऐसे आपके स्टेट्स जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, आपका दिल्ली हो गया, फिर केरला, गोवा, तमिलनाडु, ठीक है। ये ऐसे स्टेट्स हैं या ऐसे आपके यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें सबसे कम लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की। तो यहाँ पे रूरल एरियाज में डिक्लाइन देखा गया है। पहले ये आपका 32.59% हुआ करता था 2015-16 में, अब ये 19.28% है, ठीक है, इन 2019 और 21। अर्बन एरियाज की अगर बात करें तो यहाँ पे ये 2015-16 में कितना था परसेंटेज? 8.65% था। अब ये हो गया है 2019 और 21 में ये हो गया है 5.27%। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट्स हमने यहाँ पे देखे, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन जुलाई इन कोलैबोरेशन विद पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल लॉन्च द ऑयल 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट फॉर ऑयल सप्लाई एंड डिमांड। सो रिसेंटली यहाँ पे जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, इन्होंने हमारी जो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है, इन्होंने मिलके एक रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च की थी जिस रिपोर्ट का नाम क्या है, IEA ऑयल 2023 सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स टू 2028। अब ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, इस रिपोर्ट में और की पॉइंट्स क्या थे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि अगर जो हमारी करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और मार्केट ट्रेंड्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो आने वाला टाइम है हमारा, ठीक है, 2022 से 2028 का जो टाइम है, इस टाइम के बीच में यहाँ पे जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है वो बढ़ेंगी, ठीक है, 6% ये बढ़ेंगी और ये रीच ये आपका पहुंचेगा 105.7 मिलियन बैरल्स पर डे में, ठीक है, ये डिमांड बढ़ने वाली है। इसके अलावा और क्या चीज मेंशन की गई थी कि जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है ये आपकी कम होगी और हो सकता है कि 2028 तक ये बिल्कुल ही कम हो जाए या बिल्कुल ही बंद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, जो आपके बायोफ्यूल्स हैं उनमें ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है, एंड जो फ्यूल इकोनॉमी है ये काफी इंप्रूव करने वाली है क्योंकि आने वाले टाइम में हर कंट्री, आप सभी को पता है, हर कंट्री जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, ठीक है। तो जो आपका ये ऑयल, जो आपका ग्लोबल ऑयल डिमांड है ये तो ऑब्वियसली बात है ये कम होने वाली है आपकी, और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 2026 के बाद ये कम होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन की थी कि चाइना और इंडिया जो है दोनों आपको पता है ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट अगर ऐसे ही इंडिया ग्रो करता रहा तो इंडिया आने वाले टाइम में 2027 तक चाइना को सरपास कर देगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया कि जो बायोफ्यूल्स हैं, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, इनका ये प्रोजेक्शन है कि बायोफ्यूल्स जो है दे विल प्रोवाइड, दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ न्यू लिक्विड फ्यूल सप्लाई ग्रोथ टू 2028। तो 2028 तक इनका जो है लिक्विड फ्यूल सप्लाई जो है वो भी ग्रो करेगा, ठीक है। एज पर द रिपोर्ट बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन जो है ये भी एक्सपैंड होने वाला है विच इज समवेयर अराउंड 600,000 बैरल्स पर डे। इतना यहाँ पे एक्सपेंशन हो सकता है 2022 से 2028 के बीच में, इन्होंने ये चीज मेंशन की है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द पीएम नरेंद्र मोदी विजिट टू यूएई। तो पहला आपका यहाँ पे पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है ड्यूरिंग द विजिट आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई साइन अ पैक्ट टू प्रमोट यूज ऑफ इंडियन रुपीस एंड यूएई धीराम फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है
इंडिया साइन एमओयू विद एजुकेशन एंड नॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ आबू धाबी फॉर सेटिंग अप आईआईटी दिल्ली कैंपस इन आबू धाबी यूएई। थर्ड आपका आ जाता है, द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज साइन अ लॉन्ग टर्म एलएनजी इंपोर्ट पैक्ट डील्स विद यूएईज आबू धाबी गैस लिक्विफैक्शन कंपनी लिमिटेड एंड टोटल एनर्जीज ऑफ फ्रांस। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पॉइंट्स हैं बोथ ए एंड बी, ऑल ए बी एंड सी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि आरबीआई के जो गवर्नर है बेसिकली, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे जो है ये अग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के साथ, ठीक है, जिनके गवर्नर कौन है, खालिद मोहम्मद बलामा। किस चीज के लिए? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे यूएई के प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहार, और इसकी आपका कैपिटल क्या है, अबू धाबी, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज नोट करनी है कि ये यहाँ पे सेटअप करेंगे आईआईटी दिल्ली कैंपस, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडिया रैंक डैश एट द 64th इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड 2023 हेल्ड एट शिबा जापान आउट ऑफ 112 कंट्रीज। तो यहाँ पे आउट ऑफ 112 कंट्रीज इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी 9th रैंक, जिसमें यहाँ पे 6 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, ठीक है, दो आपके गोल्ड हैं, दो सिल्वर और दो आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज की बात कर लेते हैं, टॉप 3 कंट्रीज में आपका सबसे पहला नंबर आता है चाइना का, सेकेंड यूएसए, थर्ड आपका आता है साउथ कोरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे मेडलिस्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे अतुल शतावर्थ और आपके अर्जुन गुप्ता जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, फिर आनंदा भदौरी एंड सिद्धार्थ चोपड़ा इन्होंने सिल्वर जीता है, देन आदित्य एंड आपके अर्चित जो है अर्चित मानस इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रांटेड स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस टू वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव फॉर प्रमोटिंग फॉर ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेड। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इन्हें स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस दिया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब यहाँ पे जो इनको स्टेटस दिया गया है ना स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस, इसके हेल्प से ये जो यूनाइटेड नेशन है इनकी मीटिंग्स को एक्सेस कर पाएंगे, इसके साथ साथ ये इन्हें रिटर्न और ओरल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब ये आपका जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका है लंदन यूके में, और इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल बसीत सैयद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली इन जुलाई साइन अ डील टू जॉइन द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एंड बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू जॉइन द ट्रेडिंग ब्लॉक। सो रिसेंटली इसे ज्वाइन किया है आपके यूके ने, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने इसे ज्वाइन किया है, और ये पहले यूरोपियन नेशन बना है जिसने इसे ज्वाइन किया है सिंस 2018 जब ये बना था, ठीक है। और इनिशियली जो आपका ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, कौन कौन सी जो आपके कंट्री है उन्होंने इसे साइन किया था? ऑस्ट्रेलिया, बुरुनी, जेरूसलम, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड वियतनाम, ठीक है, इन्होंने ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था 2018 में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज वॉन द कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज 800 करोड़ टू सप्लाई डिफेंस व्हीकल टू द इंडियन आर्मी। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, रिसेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है अशोक लेलन लिमिटेड के द्वारा, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट आपके हैं ये है फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर विच इज FAT 4x4 एंड गन टोइंग व्हीकल विच इज GTV 6x6, इनके लिए यहाँ पे जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है 800 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को। अब जो अशोक लेलैंड लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका है चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में, और इसके एमडीएन सीईओ कौन है? इनका नाम है शेनू अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अवार्डेड द 15th एडिशन ऑफ एनी अवार्ड्स अंडर द एडवांस एनवायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड कैटेगरी फॉर हिज वर्क ऑन अफोर्डेबल क्लीन वाटर यूजिंग अ एडवांस मटेरियल्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, थलापिल प्रदीप, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं इन द IIT मद्रास, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, इनको और इनकी टीम को। इन्होंने एक अफोर्डेबल मैथड बनाया है, ठीक है, वाटर को क्लीन करने का, ठीक है, जिसमें से हार्मफुल जो मटेरियल्स हैं उनको इजिली और अफोर्डेबली रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो थलापिल प्रदीप है इनको 2020 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था, ठीक है, 2020 में इनको नेकी एशिया प्राइज भी दिया गया था, इसके अलावा 2022 में इन्हें प्रिंस सुल्तान बिन
अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज दिया गया था, एंड 2008 में इन्होंने इन्होंने रिसीव किया था शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। तो ये सारे अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं एनी अवार्ड की। जो ये अवार्ड है, ये इंटरनेशनल प्राइज है जो ऐसी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है, ठीक है, जो बेस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये दिया जाता है इन फील्ड ऑफ एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट, जिसे 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। एंड इसे तीन कैटेगरीज में दिया जाता है। पहली कैटेगरी आपकी है एनर्जी ट्रांजिशन, दूसरा है एनर्जी फ्रंटियर, एंड तीसरी कैटेगरी आ जाती है एडवांस एनवायरमेंटल सॉल्यूशन, जिसमें थलपिल प्रदीप जी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन जुलाई द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द अमेंडमेंट्स टू द जन विश्वास बिल 2023 टू डीक्रिमिनलाइज माइनर्स ऑफेंसेस बाय अमेंडिंग 183 प्रोविजंस इन हाउ मेनी एक्ट्स व्हिच आर एडमिनिस्टर्ड बाय 19 मिनिस्टर। सो रिसेंटली आपके 42 एक्ट्स या 42 लॉज जो हैं उन्हें अमेंड किया गया है, जो बेसिकली आपके बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, एनवायरनमेंट, मीडिया एंड पब्लिकेशन सेक्टर से, ठीक है। अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स की गई है, जो यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, तो उसमें एक तो ऐसा किया गया है कि जो ये बिल है, बिल से आपका ऑफेंसेस, जो सर्टेन ऑफेंसेस हैं उनको हटा दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे फाइन एंड पेनल्टीज पे भी काम किया गया है। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है फाइन एंड पेनल्टीज जो है वो 10% इंक्रीज करी जाएंगी आपकी हर तीसरे साल में, ठीक है। तो ये यहाँ पे बड़ा चेंज देखने को हमें मिला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव एम्ड एट हेल्पिंग द डिजास्टर अफेक्टेड पीपल। तो रिसेंटली जो आपके हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इस आपदा राहत कोष की वेबसाइट को जो है लॉन्च किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे डोनेशन प्रोवाइड कर सकते हो, चाहे वो आप यूपीआई के थ्रू प्रोवाइड करो, ठीक है, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारे ही यहाँ पे अवेलेबल होंगे आपके, ठीक है, जिनके थ्रू आप डोनेट यहाँ पे पैसे कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, थ्रू द ब्रोकन क्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, दिस बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी। तो ये ऑटोबायोग्राफी आपकी है टीएन सेसन की, जो इन्होंने ही खुद लिखी है, तो ऑथर भी आपके यही हो गए, टीएन सेसन, ठीक है। एंड ये आपके फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं 1990 से लेके 1995 तक, ठीक है, ये भी नोट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओमेमन चैंडी रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79 इन अ बैंगलुरु कर्नाटका। ही वाज अ वेटरन इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर एंड सीएम ऑफ विच स्टेट। तो ये आपके सीएम कौन से स्टेट के रह चुके हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला के। दो बार ये इसके सीएम बने थे, केरला के 2004 से 2006 तक, उसके बाद 2011 से 2016 तक, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द थर्ड एडिशन ऑफ नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022 फॉर स्टेट्स और यूटीज। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु ने यहाँ पे आपका टॉप किया है, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर गुजरात और फिर आपका आता है हरियाणा। ओवरऑल कैटेगरी की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। अब जो आपका ये एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है, इसके चार पिलर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पिलर्स हैं, पॉलिसी पिलर, बिजनेस इकोसिस्टम पिलर, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम पिलर, फिर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पिलर, ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम स्टेट वाइज भी देख लेते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोस्टल एरियाज की बात की जाए, कोस्टल स्टेट्स की, तो इसमें यहाँ पे टॉप किया है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात ने, और ओवरऑल कैटेगरी में भी इन्होंने टॉप किया है, ठीक है। देन लैंडलॉक स्टेट्स की बात की जाए, तो हरियाणा, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, ये आपके टॉप स्टेट्स रहे हैं। फिर हिमालयन स्टेट में टॉप किया आपका उत्तराखंड ने, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। देन आपके यूनियन टेरिटरी और स्मॉल स्टेट्स की बात की जाए, तो यहाँ पे आपका टॉप किया है गोवा ने, विच फिर आपका आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार एंड लद्दाख। एंड लास्ट आपका है डिस्ट्रिक्ट वाइज, यहाँ पे जामनगर जो है ये आपका टॉप डिस्ट्रिक्ट था, जिसने यहाँ पे टॉप किया था डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरीज में। फिर सूरत, मुंबई, सुबरबन, फिर मुंबई, पुणे, भरूच, कांचीपुरम, अहमदाबाद, ये सारे आपके स्टेट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनका टॉप परफॉर्मेंस यहाँ पे रही थी। नाउ नेक्स्ट इज, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज यूएनडीपी, इंडिया साइन अ एमओयू विद विच बायोसाइंस कंपनी टू एनहांस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये स्टैटिक का बन सकता है, जो ये आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कब लॉन्च की गई थी, तो 2016 में से पीएम मोदी ने लॉन्च किया था, ठीक है। नाउ वापस क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया है यूएनडीपी इंडिया ने,
तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एब्सोल्यूट। ठीक है, जिसके आपके सीईओ कौन है, इनका नाम है आगम खरे, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी रिसीव ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड, दैट इज चिलेवर अवार्ड बाई दी फ्रांस गवर्नमेंट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये अवार्ड फ्रांस की गवर्नमेंट देती है। ठीक है, एंड यहाँ पे इंडिया के दो आपके पर्सनालिटी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, एक तो आपके फ्लूटिस्ट है जिनका नाम है शशांक सुब्रमण्यम, एंड सेकेंड आपकी है इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट एंड कर्नाटक म्यूजिक सिंगर जिनका नाम है अरुणा सायराम। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है कि अरुणा सायराम जो है इनको 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी, जिसके हेड आपके राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने यहाँ पे ग्रांट किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 रफेल मरीन एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी फ्रॉम विच कंट्री। सो कौन सी कंट्री के साथ यहाँ पे जो है ये टाई अप किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉम दी फ्रांस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज AI फॉर इंडिया 2.0 ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जो आपका 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे जो है लॉन्च किया है फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, एंड ये आपका ज्वाइंट इनिशिएटिव है स्किल इंडिया, GUVI, IIT मद्रास, ठीक है, एंड IIM अहमदाबाद। ठीक है, इन तीनों का ये आपका ज्वाइंट इनिशिएटिव है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 25th एडिशन ऑफ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जीता था आपका जापान ने, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपको एक चीज और पूछी जा सकती है कि इसका मैस्कॉट क्या था, जो 25th एडिशन था आपका एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का, इसका मैस्कॉट आपका था हनुमान। ठीक है, जो इंडियन गॉड के नाम पे रखा गया था। अब यहाँ पे जापान ने कितने मेडल्स जीते थे, तो आपका 37 मेडल्स यहाँ पे जीते थे, फिर चाइना सेकेंड नंबर पे था जिसने 22 मेडल जीते थे, फिर इंडिया आपका था 27 मेडल इंडिया ने जीते थे थर्ड नंबर पे, जिसमें से 6 गोल्ड थे आपके, 12 सिल्वर थे और 9 ब्रॉन्ज मेडल थे, फिर श्रीलंका ने 8 यहाँ पे मेडल जीते थे एंड कतार ने 4। तो ये आपके टॉप 5 कंट्रीज थी जिन्होंने यहाँ पे मेडल टैली जीती थी। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के आपके जो एथलीट्स हैं जिन्होंने गोल्ड जीता था उनकी बात कर लेते हैं, ज्योति यराजी जिन्होंने विमेन्स 100 मीटर हर्डल्स रेस में गोल्ड मेडल जीता है, देन मेंस ट्रिपल जंप अब्दुल्ला अबोकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विमेन्स 3000 मीटर सी प्लेशस पारुल चौधरी, मेंस 1500 मीटर अजय कुमार सरोज, देन मेंस शूट ये आ जाएगा आपका तेजिंदर सिंह थूर, फिर मिक्स्ड की अगर हम बात करें 4x400 मीटर रिले टीम राजेश रमेश, ऐश्वर्या मिश्रा, अमोज जैकोब एंड शुभा वेंकटेश, ये सारे आपके जो आपके 6 गोल्ड मेडल्स यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में जीते हैं, ये सारे आपके इवेंट्स थे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, दहलन अल अहमद, क्या है इनका नाम, दलहन अल अहमद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया बायलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम नॉमेडिक एलिफेंट 2023 इज बीइंग कंडक्टेड एट उलनबतर मंगोलिया फ्रॉम 17 जुलाई टू 31 जुलाई 2023। सो आंसर यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा एडिशन था, इट वाज द 15th एडिशन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पे आपको पूछा सकता है कि इसका जो 14th एडिशन था वो कहां पे हुआ था, तो 14th एडिशन आपका ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बकलो जिले में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, और ये जो आपके एक्सरसाइज है ये एक बार मंगोलिया में होती है, एक साल है आपकी होती है इंडिया में। ठीक है, इंडिया की कोई आपकी लोकेशन होती है वहां पे ये हेल्ड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द RBI बुलेटिन फॉर जुलाई 2023 जो रिलीज किया था RBI की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि इंडिया नीड्स टू अचीव द एवरेज एनुअल रियल GDP ग्रोथ रेट ऑफ -% ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स टू बिकेम द डेवलप्ड नेशन बाय 2047-2048। ठीक है, तो 2047 तक हमें अपना जो GDP जो है GDP रेट वो कितना रखना है, 7.6% रखना है नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, तभी हम डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे 2047 तक। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने अपने स्टैंडर्ड्स भी रिलीज किए थे जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो ज्यादा होना चाहिए 21,664 US डॉलर से बाय 2047। और ऐसे ही एक और स्टैंडर्ड रिलीज किया था IMF ने, जिन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि इंडिया का पर कैपिटा नॉमिनल GDP जो है ये आपका 30,351 US डॉलर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी अगर हम अदर इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे रियल GDP ग्रोथ रेट की बात करें तो ये हमारा कितना होना चाहिए 2047-2048 तक 7.6% होना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा पर कैपिटा GDP जो होनी चाहिए ये हमारी 21,664 होनी चाहिए। इसके अलावा अभी ये कितनी है 2,500 US डॉलर है। देन हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रेट है, सेक्टर शेयर है वो 35% होना चाहिए, अभी आपका 25.6% है। देन सर्विस शेयर GDP जो है ये 30.5% होनी चाहिए और करेंटली ये आपकी 22.8% है। देन नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर सेक्टर शेयर का, तो ये हमारा इंक्रीज होके 5% होना चाहिए। ठीक है, एंड सर्विसेज सेक्टर शेयर की बात करें तो ये आपका 60% होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये इस पे बेस क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हमारे टारगेट वैल्यू पे कि 2047 तक ये कितना होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म विद अ मंथली सब्सक्रिप्शन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया का पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म विद मंथली सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज फोन पे। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज फोन पे। फोन पे की इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडी है इसकी, इसने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, एंड इसी के साथ फोन पे ऐसी पहली कंपनी बन जाती है इंडिया की जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है, जहां पे फोन पे की ऐप के थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो इजिली मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं यूजिंग दी UPI इंटरफेस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन जुलाई हैज ग्रांटेड 50 million US डॉलर लोन टू IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे 50 million US डॉलर का ग्रांट दिया है IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड को? तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस क्रॉप। ठीक है, इनके साथ ये टाई अप किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिटेन्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट एट -% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड -% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एज प्रोजेक्टेड इन द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2023। ठीक है, सो जो 2000 अप्रैल में जो इन्होंने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की थी उसमें जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था GDP 2023 का, 2024 का, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का, वही अभी इन्होंने सेम रखा है जो इन्होंने जुलाई की एशियन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है आपकी आउटलुक रिपोर्ट जो रिलीज की है। ठीक है, उसमें अब कितना परसेंट ये रहा है आपका, तो 6.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, एंड 6.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। वेरस इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये इन्होंने इंक्रीज की है। ठीक है, ये पहले डिक्रीज की है, पहले ये 5% थी आपकी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, 4.9% अभी ये कर दी है, एंड ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कितनी प्रेडिक्ट की गई है 4.5%। आई होप ये चीज क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट है, द GQG पार्टनर्स LLC हैज एक्वायर -% स्टेक इन पतंजलि फूड लिमिटेड वर्थ ₹2,400 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5.96% के स्टेक यहाँ पे GQG पार्टनर्स लिमिटेड पार्टनर्स LLC ने लिए हैं, जो आपकी US बेस्ड असेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, किसके यहाँ पे स्टेक्स लिए गए हैं, पतंजलि फूड्स लिमिटेड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज प्रेजेंटेड द भूमि सम्मान 2023 अवार्ड्स टू 9 स्टेट सेक्रेटरीज एंड -डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स फॉर अचीविंग सैचुरेशन ऑफ द कोर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजिंग प्रोग्राम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ये भूमि सम्मान अवार्ड जो है 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दिए गए हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है टोटल आपके डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं इंडिया में, इट इज 766 डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ विच 68 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे प्लैटिनम प्राइस दिया गया है इन अ 6 कैटेगरीज। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।